हेलो दोस्तों, हमारे स्टेट विद हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने केंद्र सरकार स्टार्ट किया था और केंद्र सरकार में जो हमने सबसे पहला पढ़ा था वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति को हमने दो वीडियो में कवर किया था। दोस्तों, यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है राष्ट्रपति का, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। दो पार्ट में मैंने इसको कवर किया है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री के जब हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बाद पढ़ेंगे मंत्रिमंडलीय। ठीक है, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो पढ़ेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उपराष्ट्रपति से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। अब यहाँ पे संघ के कार्यपालिका कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था, जो संघ के कार्यपालिका में कौन कौन आएगा अभी बता दे रहा हूँ दोबारा से। तो संघ के कार्यपालिका में जो है, सबसे पहला आएगा राष्ट्रपति, दूसरा आएगा उपराष्ट्रपति, तीसरा आएगा प्रधानमंत्री, चौथा आएगा मंत्रिमंडल, और पांचवा जो आएगा वो आएगा महान्यायवादी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसके मुख्य कारण है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो किसी कारणवश, जैसे कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, या किसी भी ऐसे कंडीशन में, या हटाए जाने के कारण, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करता है जब तक न्यू राष्ट्रपति नहीं बन जाता। ठीक है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनता है, तब तक ये उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाही यानी कार्यवाहक के रूप में काम करता है। दूसरा जो कारण है उपराष्ट्रपति पद का होने का, ठीक है, वो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है क्योंकि राज्यसभा के कार्यों का जो संचालन करने के लिए उपराष्ट्रपति को चुना गया है। जो राज्यसभा का जितने भी कार्य का संचालन होता है, अब उपराष्ट्रपति यदि बना है तो उसके लिए कोई काम तो होना चाहिए ना, क्योंकि लोकसभा के लिए इधर तो राष्ट्रपति होता ही है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो मतलब राज्यसभा के लिए पदेन सभापति होता है ये, क्योंकि ये राज्यसभा के कार्यों का संचालन करने के लिए उपराष्ट्रपति को चुना गया है। जो उपराष्ट्रपति को यहाँ पे चुना गया है किसके लिए, तो राज्यसभा के कार्यों को संचालन करने के लिए। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यानी जो भी राज्यसभा का बैठक होगा ये उसका जो लीड करेगा उपराष्ट्रपति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कभी भी उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति तो होते हैं लेकिन उसके रूप में कभी भी वो काम नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड कोई शक्ति, कार्य या दायित्व तो नहीं है हमारे संविधान में। जो भी उपराष्ट्रपति है तो इससे पद से रिलेटेड जो है कोई शक्ति या कोई दायित्व तो नहीं है। उपराष्ट्रपति या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, या फिर जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। यहां तक कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति तो है लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का पोस्ट है, तो जो उपराष्ट्रपति तो बने हैं लेकिन इसको जो भत्ता मिलता है यानी वेतन मिलता है यानी सैलरी जो मिलता है, इसको उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, इसको राज्यसभा के सभापति का जो वेतन तय है वो वेतन मिलता है इसको। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति की वेतन का जिक्र जो है सो हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, अब यदि हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो ये जो है भारतीय संविधान में अमेरिका से लाया गया पोस्ट है। इसका जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया है, वहां से कॉपी किया गया है। ठीक है, जब संविधान में वरीयता की क्रम की बात करें, वरीयता क्रम निर्धारित की जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो है वो राष्ट्रपति आता है और दूसरे नंबर पे जो है वो आता है उपराष्ट्रपति। जैसा कि हमने बताया जो संघ के कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो जिसमें सबसे पहला था वो राष्ट्रपति था, दूसरा जो है उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब संविधान में वरीयता क्रम निर्धारित की जाती है तो उसमें सबसे पहला जो है राष्ट्रपति और दूसरा जो है आता है उपराष्ट्रपति। अब थोड़ा हम इससे रिलेटेड कुछ, ये जो राष्ट्रपति हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद दिया गया है, तो अब उस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 163 में जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है।
यानी कि ये कहा गया है कि भारतीय भारत के लिए भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं जो उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे उसका वर्णन है। इसके अलावा एक और काम होता है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 70 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं होंगे तो ये अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति, जैसा कि हमने आपको बताया, जो यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश से उसका पोस्ट खाली हो जाता है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या उसकी मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा और उससे रिलेटेड काम करेगा, और जिस तरह से राष्ट्रपति का काम होता है, तो ये इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 70 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब यदि हम बात करें यहाँ पे निर्वाचन की, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया है उसमें राष्ट्रपति की तरह ही होता है। राष्ट्रपति का, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। दोस्तों यदि आप हमारा राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पिछला वीडियो देखें, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं दोबारा से बता देता हूँ जो राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन हुआ था। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान द्वारा, एकल संक्रमण द्वारा और समानुपातिक मत द्वारा, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो सेम उसी तरह जो है ये उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, विधायकों के मत का वर्णन नहीं किया गया है। किसमें? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। जैसे कि हमने अभी बताया, जो पहला जो इसमें पॉइंट है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, पहला पॉइंट बताया। और दूसरा में दूसरा पॉइंट क्या है, जो इसमें निर्वाचक मंडल जो होंगे वो राज्यसभा और लोकसभा इसके सभी सदस्य होंगे। ठीक है, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य होंगे, जैसा कि आपने राष्ट्रपति के केस में जो देखा था। यहाँ पे देखिए अंतर अंतर है, यहाँ पे राष्ट्रपति के केस में जो था वहां पे जो मनोनीत सदस्य था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति के केस में केवल आप कह सकते हैं पदेन सदस्य, राष्ट्रपति के केस में जो है पदेन सदस्य था, और यहाँ पे सभी सदस्य मतलब निर्वाचन निर्वाचन में भाग लेंगे या निर्वाचन करेंगे राष्ट्रपति का। मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 सदस्य जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है सो ये जो एंग्लो इंडियन था वो भाग लेगा, और जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में चुना जाता है वो 4 क्षेत्रों से चुना जाता है, वो भी जो है सो भाग लेगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि बात करें तो इसकी सभी शंकाएं व विवाद जो है और जांच का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इसका निर्णय डायरेक्ट चला जाएगा हाई कोर्ट में या उससे नीचे, इसका जो विवाद या कुछ भी निर्णय ऐसा है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव का निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यदि जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। तो ये था। अब अगला देखते हैं, यदि इसकी अर्हता की बात करें, किसकी, तो उपराष्ट्रपति की अर्हता की बात करें, तो अर्हता मतलब कहने का मतलब ये है कि योग्यता की बात कर रहे हैं। अर्हता मतलब होता है योग्यता। ठीक है, तो योग्यता तो सभी में सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो योग्यता में ये कहा गया है कि सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और दूसरा ये कहा गया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। 35 वर्ष पूरा हो गया हो, यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट, आप देख सकते हैं, जो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। ठीक है, वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। और चौथा है, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, और वही डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कुछ डिफरेंस है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, पहला डिफरेंस तो ये है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है इसमें राज्यसभा जो है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, जबकि राष्ट्रपति के केस में जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, यानी उसके योग्य हो, लोकसभा में सदस्य बनने हो योग्य हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे मतलब डिफरेंस है वो ये है कि यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के केस में ये होता था कि राष्ट्रपति
पद के लिए जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में जो है यहाँ पे मात्र 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है दोस्तों, प्रत्येक उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति के लिए मतलब अपना कैंडिडेट खड़ा होने के लिए जो खड़ा होता है, तो उसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक में जो है 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। इतना 15,000 रुपया जो है राष्ट्रपति के केस में भी था और उपराष्ट्रपति के केस में भी 15,000 जमानत राशि जमा करना होता है। कहाँ पे? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। अब अगला देखते हैं, जो अगला क्या है, आगे ये है कि उसे जो है राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है, इसका मतलब यह है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं, जैसा कि हमने आपको पीछे पीछे बता चुके हैं। अब राज्य उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो शपथ में क्या है, तो ये अपना शपथ जो है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ राष्ट्रपति के सामने लेगा, राष्ट्रपति के सम्मुख लेगा, यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाता है इसको, तो उपराष्ट्रपति को। इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, और अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा और कहता है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा ये कहा है कि मैं अपनी पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट जो है यहाँ पे, अब उपराष्ट्रपति के पद के शर्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि वह संसद की किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन के का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है, यानी कि खाली कर चुका है। दूसरा यह है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर कहने का मतलब यह है कि कोई सरकारी नौकरी उसको ना हो, जैसे जितने भी मंत्री या ये सब होता है वो लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, लेकिन इधर जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उस पर नहीं होना चाहिए, अगर वो उस पर है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा कंडीशन था उपराष्ट्रपति पद के शर्त, ठीक है, पहला बता दिया, दूसरा भी बता दिया। अब जो अगला है वो है पदावधि एवं पद रिक्तियां। इसका तो राष्ट्रपति का पदावधि एवं उसकी जो है रिक्तियां, तो आइए जान लेते हैं जो पदावधि क्या है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा। अब ऐसे कंडीशन में यदि राष्ट्रपति जो है यदि अवेलेबल नहीं है तो उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रपति का मतलब जहाँ पे ऑफिस है, जो उसका टेबल पे जहाँ पे वो बैठते हैं, तो उसके सामने वो अपना लेटर दे देंगे और वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये भी कंडीशन है। इसके अलावा जो है उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। यहां पे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे औपचारिक कहने का मतलब जो एक विधि पूर्वक जो है महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कोई रूल से इसको हटाया नहीं जा सकता है। इसे जो है राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे बहुमत में कहने का मतलब ये है कि उसका मत जो है यानी 50% से एक अधिक होना ही चाहिए, तब जो है से इसको हटाया जा सकता है। और इससे लोकसभा के सहमति आवश्यक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। अब यहाँ पर संकल्प कहने का मतलब ये है कि उचित मत से राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो संसद होता है संसद में 3 चीजें होता है जिसमें होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यदि हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में होता है विधानमंडल, और विधानमंडल में 3 चीजें होता है राज्यपाल,
विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो यहाँ पे हम केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का जो है विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। पुनः यह संकल्प जो है केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में इसको पारित नहीं किया जा सकता। परंतु जो है इसे जो महाभियोग को जो चलाया जाएगा उपराष्ट्रपति के ऊपर, तो उससे पहले जो है 14 दिन पहले जो है उसको नोटिस दिया जाएगा, किसको, उपराष्ट्रपति को। ये कहा जाएगा कि आपके ऊपर इस तरह की प्रक्रिया चलाया जा रहा है, पहले उसको बताया जाएगा, उसके बाद ही कोई भी प्रक्रिया चलाया जाएगा उपराष्ट्रपति के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि संविधान में उसे हटाने के लिए, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं है जो इसको इस तरीके से हटाया जा सकता है या ऐसा हटाया जा सकता है, कोई आधार नहीं है, कोई बात नहीं कही गई है। अब उपराष्ट्रपति जो है अपनी 5 वर्ष की अवधि के उपरांत, यानी 5 वर्ष जब भी, मतलब उससे पहले भी पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण न करे, ठीक है। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है और वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे सिर्फ 2 बार निर्वाचित होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कितनी बार ही कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। अब यदि बात करें राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति की पद और उसकी रिक्तियों के बारे में, तो इसमें जो सबसे पहला उपराष्ट्रपति का पद जो है निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको वो पहले भी बताया, जिसमें सबसे पहला है उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। यदि 5 वर्ष जो उसका कार्यकाल होता है, यदि 5 वर्ष पूरा हो गया तो वो अपना पद पे से इस्तीफा दे देगा, पद खाली कर देगा। दूसरा है इसके द्वारा त्याग पत्र देने पर, अगर वो ऐसा नहीं है तो बीच में कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा जो है उसे बर्खास्त करने पर, यदि उसे हटाया जाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी पद त्याग रिक्त हो जाएगा उसका। पांचवा है अन्यथा, उदाहरण के लिए यदि देखें हम, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य है, यानी उसके लायक नहीं है, अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित है, जब पद रिक्त होने के कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व जो है नया चुनाव जो है कराया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। यदि उपराष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र और निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो उस स्थिति में जो है सो शीघ्र शीघ्राति शीघ्र जो है सो चुनाव, यानी जल्दी से चुनाव कराया जाता है और नया चुनाव चुना जाता है उपराष्ट्रपति। पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। और ये जो दोस्तों कभी एक कंडीशन ऐसा भी आता है, जब मैं यहाँ पे राष्ट्रपति की बात केस में बात करें, तो राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश यदि अपना त्याग पत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई बीमार पड़ने के कारण उसका पद मतलब यदि रिक्त हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति को उसका पद संभालने के लिए दिया जाता है राष्ट्रपति का। और ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पूरा शक्ति मतलब मिल जाता है, और उसका जो मतलब सैलरी है वो राष्ट्रपति का जितना सैलरी होता है उतना सैलरी उपराष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे यदि हम बात करें तो इसकी शक्तियों और कार्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका शक्ति जो है सो दो दो प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के जो है लोकसभा, यदि लोकसभा में के लिए 2 कार्य होते हैं इसमें, किसका, तो उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति जो है सबसे पहला जिस इसमें है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। अब राज्यसभा के सभापति कहने का मतलब ये है कि वो राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करता रहेगा, जब तक राष्ट्रपति का पोस्ट है या जब तक उपराष्ट्रपति को कोई दूसरा काम नहीं मिलता है, तब तक ये जैसे कि सिलेक्शन होता है तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही काम करता है, ठीक है। और तब तक करते रहता है जब तक इसको दूसरा काम नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो ऐसे कंडीशन में जो है राष्ट्रपति भूमिका निभाता है। और इसको जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पोस्ट यदि खाली हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, या उसको हटाया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग चला करके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर मात्र 6 महीना के लिए जो है उसका कार्यभार संभालता है, और ये 6 महीना के लिए जो है पूरा इसको शक्ति दिया जाता है राष्ट्रपति का। अब ऐसे कंडीशन में क्या है, जो वो उपराष्ट्रपति का काम नहीं करके राष्ट्रपति का काम करेगा, ठीक है। और इसको जो सैलरी मिलेगा वो राष्ट्रपति को जितना सैलरी मिलता है उतना ही सैलरी जो है उपराष्ट्रपति को भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें और कुछ कहा गया है, जो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है,
और उसे जो भी वेतन मिलता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। और यदि राज्यसभा के बारे में पदेन सभापति का जो मतलब सैलरी मिलता है, और यदि इसको राष्ट्रपति का पोस्ट दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति का पोस्ट यदि खाली हो जाता है, तो इसको जो है राष्ट्रपति के पोस्ट पे बोलता है उसका कार्यभार संभालने के लिए, और इसको राष्ट्रपति का जितना सैलरी मिलता है उतना इसको मिलता है। 2018 में जो है संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है सो 1.5 लाख रुपया से बढ़ाकर 4 लाख रुपया प्रतिमाह कर दिया। और पहले 2018 में जो है सो सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति का पेंशन जो है 20,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 50% किया। इसके अलावा जो है दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा की सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं जो है सो फ्री में इसको दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। और ऐसा दिया जाता है भी, ये सब फ्री में दिया जाता है, जो भी है कार फ्री में दिया जाता है, आवास फ्री में दिया जाता है यानी कि बिल्डिंग मकान जो है, चिकित्सा सुविधा इसको फ्री में दिया जाता है, जो यात्रा करेगा ट्रैवल करेगा उसको भी मतलब शुल्क जो है सो फ्री में ये फ्री रहता है। तो उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु तो उसे राष्ट्रपति का को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब पीछे बता चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल का थोड़ा ग्रो भी हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें दोस्तों।